दोस्तों इसराइल ने राफा पर हमला कर दिया है और राफा पर हमले के बाद गोदी मीडिया और ख़ासतौर पर पश्चिम देशों का मीडिया राफा पर गिर रहे बमों को लेकर के चटकारे लेकर खबरों को दिखा रहा है जहां ये बताया जा रहा है कि इसराइल ने राफा पर अनगिनत बम बरसाए हैं लोग इधर से उधर भाग रहे हैं और लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो चुके हैं हमास घुटने टेक चुका है इसराइल से हाथ जोड़ करके माफी मांग रहा है कि उसे बकश दिया जाए पर ये तमाम चीज़ें जो लगातार दिखाई जा रही हैं इसमें कितनी सच्चाई है इसे भी जान लेना समझना जरूरी है जहां राफा पर हमला इसराइल ने बेशक से कर दिया है पर इसराइल के खिलाफ ही कई फ्रंट खुले हैं जहां पहली बार इजिप्त के अंदर मौसाद के जासूस की हत्या कर दी गई है जो राफा पर हमला हुआ उसका रिएक्शन साफ तौर पर देखने को मिल रहा है जो कि आप साफ तौर पर ये स्क्रीन पर देख सकते हैं जहां ये साफ तौर पर बताया जा रहा है कि पहले मिस्र में मौसाद कारोबारी के खात्मे का एक वीडियो जो है वो जारी किया गया जो जासूस था मौसाद का उसकी इजिप्त में हत्या कर दी गई गोलियों से भुन करके जहां वैन ऑफ लिब्रेशन मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में इजरायली मौसाद वेबसाइट जिप कीपर के का एक वीडियो प्रकाशित किया गया है जहां इसका शीर्षक है कि अगले का इंतज़ार करें गाजा के बच्चों की ओर शलोम जो गाजा के अंदर नरसंहार किया जा रहा है उसका खामियाजा कहीं ना कहीं इनके अधिकारियों को इनके जासूसों को भी भुगतना पड़ रहा है जहां समूह ने यह घोषणा की कि वे पूरे मिस्र में सभी मौसाद एजेंटों की तलाश कर रहे हैं मौसाद से जुड़े जासूसों की तलाश मिस्र के अंदर की जा रही है और उनको इसी तरीके से उनका खात्मा करने का ऐलान किया गया है और क्यों किया गया है क्योंकि इजिप्ट से सटे राफा बॉर्डर जो कि राफा खासतौर पर फ़िलिस्तीन के अंदर है और उसका इजिप्ट का बॉर्डर सटा हुआ है जहां अपनी ताकत दिखाने की कोशिश जो है वो की गई पर हुकूमत मिस्र की कूदे ना कूदे हुकूमत या सेना उसका कोई कदम उठाए या ना उठाए पर जो संगठन है इजिप्ट के अंदर उसने मोर्चा खोल दिया है और खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है कि मिस्र के अंदर जहां भी किसी भी कोने में मसाद के जासूस छुपे होंगे उनकी तलाश ऐसे ही की जाएगी और जब ये खबर सामने आई तो आपको मालूम है कि अगर एक किसी के ऊपर हमला हो जाएगा या पूरी दुनिया इसराइल के आतंकवाद के ख़िलाफ़ सड़कों पर उतरेगी तो बेंजामिन नितिन याहू वाला पैटर्न जो है वो पूरे इजरायली मीडिया ने अपना रखा है जहां ये बताने की कोशिश की गई कि साहब देखिए कि ये एक बड़ा आतंकी हमला है जो कि जेरूसलम पोस्ट ने यह बताया कि इसराइल के खिलाफ आतंकवाद बढ़ता जा रहा है ये एक बड़ा आतंकी हमला है तो वही द टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर भी आप देख रहे हैं जिसमें जेरूसलम पोस्ट ये कह रहा है कि बड़ा आतंकी हमला है पर इजिप्त गवर्नमेंट ने यह इनकार कर दिया कि ये एक नॉर्मल हत्या है कोई आतंकी घटना नहीं है जो एक मौसाद के जासूस की हत्या हो गई है उसे आतंकवाद करार देने पर तुला हुआ है तो आप लोग खुद बताइए कि जहां चालीस हज़ार से ज्यादा लोगों को गाज़ा के अंदर शहीद कर दिया गया है अस्सी से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया गया है पूरे शहर को तबाह कर दिया गया है ये इसराइल का आतंकवाद है या नहीं है या अभी भी लोग इसे इसराइल का इंतकाम या बदले की आग बताएंगे खुले खुलेआम नरसंहार किया जा रहा है मजलूम फलस्तनी का जिसकी चर्चा लगातार तेज़ हो रही है और जब ये चर्चा तेज़ हो रही है तो तमाम तस्वीरें सामने आई और ये सवाल ख़ास तौर पर किए जा रहे हैं कि गाज़ा के लोगों के पास खोने के लिए अब कुछ नहीं है क्योंकि एक सबसे ज़्यादा सुरक्षित प्लेस था वो था राफा और राफा के ऊपर भी हमला करके इसराइल ने यह बता दिया कि वो युद्ध विराम नहीं चाहता वो सीज फायर रोकना नहीं चाहता जो कि ये तस्वीर साफ तौर पर लोगों के सामने आई और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद आंदोलन के उप महासचिव मोहम्मद अल हिंदी ने ये माना कि युद्ध विराम प्रस्ताव समझौते का प्रस्ताव ध्वस्त नहीं हुआ है वो उस पर काम कर रहे हैं उन्होंने ये साफ तौर पर दोहराया कि बेंजामिन नितिन याहू की सत्ता जाने का डर है उसकी कुर्सी जाने का डर है इसलिए उसने जंग के दायरे को बढ़ाने के लिए रफा पर हमला किया है और हमें रफ़ा को बचाने के लिए फिलिस्तीन के लोगों को बचाने के लिए जो कदम उठाना था वो हर एक कदम हमने उनके लिए उठाया है पर जब रफ़ा जैसी सुरक्षित प्लेस को भी इसराइल ने नहीं छोड़ा तो हमारे पास खोने के लिए अब कुछ बचा नहीं है और जो हमारा एक डर था वो डर भी खुल करके के निकल चुका है और जब वो डर निकल चुका है तो सिर्फ अब खोने की जो चीज़ें हैं वो बेंजामिन नितिन याहू के पास हैं और जब बेंजामिन नितिन याहू के पास खोने के लिए सबसे ज्यादा बड़ी चीज है उसकी सत्ता उसकी कुर्सी जिसे बचाने के लिए वो जंग के दायरे को लगातार बढ़ा रहा है और हम समझौते के लिए अभी भी तैयार हैं पर अब नितिन याहू की कोई शर्तें नहीं अगर कोई शर्त चलेगी तो फलस्तीन के लोगों की चलेगी जो चीज़ें लगातार लोगों के सामने आई और राफा पर हमला करने के नतीजे जो हैं वो अब बेंजामिन नितिन याहू को भुगतने पड़ रहे हैं क्योंकि सख्त एडवाइजरी जो है वो जारी की गई थी और ये कहा गया था अमेरिका की तरफ से कि राफा पर कोई हमला नहीं होना चाहिए पर अमेरिका को नज़रअंदाज करते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कदम उठाया और जिसका खामियाजा अब उसे खास तौर पर भुगतना पड़ रहा है अमेरिका की चेतावनी के बाद भी इसराइल ने मंगलवार को राफा पर आक्रमण कर दिया जराइल ने इस एक्शन के बाद अपने ही खास दोस्त अमेरिका से दुश्मनी मोल ले ली है अमेरिका ने इसराइल को दी जाने वाली सैन्य मदद रोक दी है अमेरिका ने यह फैसला इसराइल को राफा पर अटैक से रोकने की वजह से लिया है जहाँ अरबिया मीडिया आउटलेट्स ने यह बात करते हुए एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि राफा में अमेरिकी चिंताओं पर ध्यान न देने के बाद इसराइल को किया जाने वाला हथियारों का निर्यात पूरी तरीके से रोक दिया गया है अब जिसके दम पर जिस हथियार के दम पर बेंजामिन नितिन याहू राफा में कूदा था अब वही सप्लाई जो है अमेरिका की तरफ से रोक दी गई है जिसको लेकर के कई सारी चीज़ें लगातार सामने आ रही हैं और राफा पर हमले के नतीजे जो हैं जगह जगह इसराइली सैनिकों को भुगतने पड़ रहे हैं जहां इजिप्त के अंदर पहली मर्तबा मौसाद के जासूस की हत्या कर दी गई है हर एक खबर से आपको रूबरू कराता रहूँगा दीजिए इजाज़त